आप भी किचन में खाना बनाते समय अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए मैं स्वाति आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो ओवर द टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। ये टिप्स न केवल किचन में आपका समय बचाएंगे बल्कि आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑफ सीजन फ्रोजन मटर लाने की जगह अभी जब मटर बहुत सस्ती है और इजीली अवेलेबल है, हम घर पर ही इसे आसानी से साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ एक बड़ी बगोनी में मैंने काफी सारा पानी बॉईल करने रखा है। पानी बॉईल होते ही हम इसमें वॉश की हुई मटर डाल देंगे। 3-4 मिनट से हमें इसे बॉईल करना है। हमें इसे इतना ही बॉईल करना है कि जो मटर का छिलका है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। छिलका सॉफ्ट होते ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हल्की ठंडी होने पर ही इसी पानी में हमें इसे हल्के हाथों से रब करना है। और ये देखिए कितनी आसानी से बिना किसी एफर्ट्स के मटर निकलती जा रही है। फ्रोजन मटर के लिए हमें वैसे भी मटर को हल्का सा बॉईल करना ही होता है, तो इस ट्रिक से दो काम एक साथ हो जाएंगे, मटर छिलती भी जाएगी और बॉईल भी हो जाएगी। छिलकों को साथ ही साथ साइड भी करते जाइए एंड विद इन फ्यू मिनट्स पूरी मटर रेडी हो गई है। अब इस मटर का पूरा पानी हटाकर मटर को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। अब इस मटर को आप फ्रिज में रखकर नॉर्मल सब्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर इसे एक प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज कर दीजिए और आपकी फ्रोजन मटर जो है वो रेडी हो गई है। और इस फ्रोजन मटर को आप थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं। पालक, मेथी, बथुआ जैसी लीफी वेजीज को ब्लांच करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ मैंने एक बड़ी बगोनी में पानी उबाल लिया है। अब इस पालक को हम कोलेंडर सहित ही इस बगोनी में रख देंगे। पानी जो है कोलेंडर के थोड़ा सा ऊपर तक आना चाहिए। पालक को अलट पलट कर लेंगे एंड विद इन फ्यू सेकंड्स ही पालक जो है हमारी बॉईल हो जाएगी। अब इस कोलेंडर को हम डायरेक्ट उठा लेंगे और ठंडे पानी से भरे बोल में रख देंगे ताकि जो पालक की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और इसका ग्रीन कलर बरकरार रहे। ठंडे होने के बाद पूरे कोलेंडर को ही निकाल लेंगे जिससे पालक का पूरा पानी निकल जाए और अब इसकी आप आराम से प्यूरी कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है बिल्कुल भी मैसी नहीं है, ज्यादा छानना वगैरह भी नहीं पड़ता है और एक ही कोलेंडर में पूरा काम हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिए कि ये जो पानी है इसमें पालक का काफी सारा एसेंस है, तो इसे फेंके बिल्कुल भी नहीं, या तो कुकिंग में यूज कर ले या आप अपने प्लांट्स को भी दे सकते हैं। स्वीट कॉर्न का यूज हम कई सारी रेसिपीज में करते हैं। इन्हें बॉइल करते समय कुकर में स्वीट कॉर्न के साथ नमक तो हम डालते ही हैं, साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे ना तो कॉर्न का कलर एकदम खिलकर आता है, जो हर रेसिपी में दिखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद में भी। अब चाहे स्वीट कॉर्न बनाइए, पुलाव में डालिए या फिर कॉर्न की सब्जी, बहुत ही यम्मी लगेगी। धनिया को साफ करके स्टोर करते समय अक्सर हम उसके स्टेम्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, पर ये काफी न्यूट्रिशियस और फ्लेवरफुल होते हैं। इन्हें आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आप सूप बनाए तो उसमें ये कोरिएंडर स्टेम को जरूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चटनी में भी आप इन्हें डाल सकते हैं या फिर वेजिटेबल स्टॉक बनाते समय भी इन्हें ऐड कर सकते हैं। ये कोरिएंडर स्टेम आपके सूप और चटनी के टेस्ट को और भी इनहेंस कर देंगे। कोई भी खाना तभी अच्छा लगता है जब वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ दिखने में भी अपीलिंग हो। अपनी रेसिपीज में आर्टिफिशियल कलर्स की जगह नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करें उसके कलर को इनहेंस करने के लिए। जैसे पनीर, राजमा या रेड ग्रेवी वाली सब्जियां बनाते समय उनमें छोटा सा चुकंदर का पीस उनके रेड कलर को नेचुरली इनहेंस करेगा। सिमिलरली पाव भाजी बनाते समय भी छोटा सा चुकंदर का टुकड़ा पाव भाजी की रंगत को और भी बढ़ा देगा। लहसुन छीलना एक टीडियस टास्क है और कम मेहनत में ज्यादा और जल्दी लहसुन छीलने के लिए लहसुन की एक पूरी गांठ लेकर उसमें नाइफ फंसा लेंगे और इसे डायरेक्ट फ्लेम पर थोड़ी ऊपर से धीरे धीरे रोटेट करते जाएंगे। बाहर से छिलके जो हैं वो हल्के से जल जाएंगे, तब हमें इसे फ्लेम से हटा लेना है।
हल्का सा प्रेस करके सारी कलियां अलग कर लेंगे। अब दो तीन कलियों को एक साथ हाथ में लेकर थोड़ा सा रब करना है। रोस्ट होने से लहसुन जो है हल्का सा श्रिंक हो जाएगा और अपनी स्किन छोड़ देगा, जिससे छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है और हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। साथ ही ऐसा करने से लहसुन में हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर भी आता है, जो रेसिपीज में बहुत ही अच्छा लगता है। आंवला एक सुपर फूड है और कई सारी रेसिपीज के लिए हमें इसे बॉईल करना होता है। डायरेक्ट पानी में बॉईल करने से इसमें काफी पानी आ जाता है और ड्राई होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। इस प्रोसेस को कम करने के लिए और इसके टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए हम इसे स्टीम कर सकते हैं। स्टीमर है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं है तो आप इजीली इसे इडली कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं। नीचे पानी बॉईल करने रख दिया है और सारी इडली प्लेट्स में दो दो तीन तीन आंवले रख दिए हैं। इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। नाइफ से चेक करेंगे, आंवला सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइट हो जाता है। इट मींस कि ये रेडी है। हल्के गरम में ही इसे बस हमें हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और इसकी जो सारी फाके है इजीली निकल जाती है। अब इसे अचार बनाइए या कैंडी, और भी टेस्टी बनेंगी। अब आंवले की ये जो गुठलियां निकली है इन्हें बिल्कुल भी फेंके नहीं, अभी इनमें काफी सारा आंवला लगा हुआ है। इन्हें सिंपली पानी में बॉईल कर लीजिए, चाहे तो हाथों से हल्का सा रब भी कर सकते हैं। अब इस पानी को मेहंदी में मिलाकर आप अपने हेयर के लिए हिना पैक बना सकते हैं, या डायरेक्टली इसमें नमक, जीरा या बेसिक मसाले डालकर इसे जूस की तरह भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। छोले बनाते समय उसके टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक इन्हें उबालते समय जरूर अपनाएं। यहाँ मैंने 3-4 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक को कूट लिया है और साथ ही साथ चाय पत्ती डालकर थोड़ा सा पानी भी उबाल लिया है। अब कुकर में भीगे हुए छोले डालेंगे, साथ ही जो चाय पत्ती का पानी उबाला था वो भी डाल लेंगे छोले के रंग को काला करने के लिए। नेक्स्ट जो मैंने अदरक लहसुन कूटा था वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही में डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा खाने का सोडा ताकि जो छोले हैं हमारे बहुत अच्छे से गल जाएं, और नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला छोले के एक एक दाने को फ्लेवरफुल बनाएगा और इससे जो हमारे छोले बनेंगे उसका टेस्ट और भी इनहेंस होगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मिर्ची का अचार डाला और वो मिर्ची ही इतनी तीखी वैरायटी की निकली कि अचार भी बहुत ज्यादा तीखा हो गया? इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर क्या, मिर्ची के तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें 2-3 नींबू का रस डाल दिया और 5-6 दिन ऐसे ही रहने दिया और फिर इसे कंज्यूम किया। नींबू की खटास ने मिर्ची के तीखेपन को बैलेंस कर दिया है और अचार का टेस्ट एकदम सही हो गया है, वेस्ट होने से बच गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि इन सभी टिप्स में से आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में घंटी को जरूर बजाइए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।